नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी है, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत निशाने पर है, उन पर कभी भी खतरा आ सकता है, खतरा जेल का। इसके अलावा गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर भी गाज गिरी है। अब इसी बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के एक बयान के बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने अब गहलोत को जेल भेजने का प्लान बना लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। गहलोत की सरकार जाने के बाद से कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, इसीलिए तो शायद उन पर खूब निशाना भी साधा जाता है। उनसे जुड़े कुछ मामले भी खोले गए हैं और अब तो भजनलाल ने इशारों इशारों में कह दिया है कि वो गहलोत को जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के तहत जोधपुर में एक कार्यक्रम हुआ। जयपुर से जोधपुर के बीच कई रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री का कई जगह स्वागत भी किया गया। बता दें, वहीं सीएम भजनलाल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भजनलाल से बात की, जहां जोधपुर से सुरसागर सीट से विधायक देवेंद्र जोशी ने भजनलाल से अपनी परेशानियों के बारे में बताया। देवेंद्र जोशी ने कहा कि सड़कों के हालात हैं, वो बताते हैं कि विकास के नाम पर विनाश हुआ है, यहां भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था, इसकी SIT बनाकर जांच करवाई जाए। इसी के जवाब में भजनलाल ने जो बात कही उसकी खूब चर्चा है। इस शिकायत के बाद सीएम भजनलाल कहते हैं, विधायक देवेंद्र जोशी ने जोधपुर के लिए स्पेशल पैकेज मांगा है, हम स्पेशल पैकेज भी देंगे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच भी करवाई जाएगी। ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की अति की थी उनका भी इंतजाम करेंगे। अभी बात भजनलाल ने गहलोत के गढ़ जोधपुर में कही है, इसलिए इनका ये बयान गहलोत से जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से भजनलाल ने ये कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की अति की उनका भी इंतजाम करेंगे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि भजनलाल ने इशारा गहलोत की तरफ किया है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भजनलाल इस बात से संदेश देना चाह रहे हैं कि वो गहलोत को जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं, इंतजाम इसी को कह रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गहलोत को लेकर कई ऐसे मामले खुल रहे हैं जिसमें गहलोत बुरे फंस सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भजनलाल ने इसके अलावा मन से गहलोत पर तंज भी कसा। भजनलाल ने कहा, हमारे बजट की बात हो रही है, जब हमने इस पर काम शुरू किया तो लगा कि जोधपुर क्षेत्र से सीएम लगातार रहे हैं, ऐसे में यहाँ तो कोई परेशानियां नहीं होगी, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए तो ताजुब हुआ कि शहर और गांव सभी जगह पर समस्याएं व्याप्त है। हमने तय किया कि गांव या मोहल्ले के किसी व्यक्ति की छोटी समस्या उसके लिए बहुत बड़ी होती, हमें उसका निराकरण करना है। फिलहाल आपको बता दें, इससे पहले भी 2024 की शुरुआत में ही सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि पूर्व सरकार यानी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बीते 6 महीने में जो भी फैसले लिए हैं उसकी जांच की जाएगी। इसके लिए समिति का भी गठन होगा जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। इसको लेकर भी कहा गया था कि भजनलाल ने गहलोत को फंसाने का पूरा प्लान बनाया है। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा है कि भजनलाल गहलोत को जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।